वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज का पहला मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने मोहाली में हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से पहले वनडे में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल किए और टीम इंडिया को जीत दिलाई। कल 22 सितंबर को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। रन चेंज में भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए, वही ऋतुराज ने 71, KL राहुल ने नाबाद 58 और सूर्य कुमार यादव ने 50 रन बनाए। गिल और ऋतुराज ने पहले विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी की। KL राहुल ने सीन एबॉट की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई है। भारत ICC की T20 और टेस्ट रैंकिंग में पहले ही नंबर 1 पर थी। अब उसने वनडे रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल करके ये खास उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ऐसी दूसरी टीम है जिसने एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। आपको बता दें, इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने ऐसा किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को इंदौर और तीसरा मुकाबला 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। आखिरी 2 में से एक भी मुकाबला जीतने पर टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर ही रहेगी। इस सिचुएशन में भारत के 116 और पाकिस्तान के 115 पॉइंट्स होंगे। अगर भारत आखिरी दोनों वनडे जीतने में कामयाब हो जाता है तो टीम पहले नंबर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।